हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल चैनल मैग्नेट बीम्स इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्वेक्स मिरर और उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स यानी चैप्टर वन क्लास टेंथ एन फिजिक्स में हमने स्टार्ट कर दिया है दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन की कहानी पहले देख चुके हैं थोड़े रिलेटेड टर्म्स देखे थे कॉन्केव मरर कर लिया था पिछले सेशन की वीडियो जो है आपको बिल्कुल ना डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी तो उसको जाके रिकॉल कर लेना इस पर्टिकुलर सेशन में क्या देखने को मिलेगा बता देती हूँ कॉन्वेक्स मिरर है उसी में जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है आपको मिलती है 100 परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन के जी से लेके ट्वेल्थ कॉम्पिटिटिव सो लेट्स वेस्टिंग एनी टाइम चलिए भाई अब इमेज फॉर्मेशन जिस जिसको याद हो थोड़ा रिकॉल करा देते हैं रिफ्लेक्शन फिनोमिना है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है कॉनकेव मिरर की कहानी देख चुके हैं यानी हमने एक ग्लास का स्पीयर लिया था बेटा क्या लिया था सर्कल नहीं स्पीयर थ्री फिगर है उसमें से एक एंड काटा तो कॉनकेव निकला था दूसरा काटा तो कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कहानी बड़ी मज़ेदार है हाँ क्योंकि ये दोनों वर्ड सेम होते हैं तो देखो बोलने में जो है जबान फिसल जाती है तो देखो क्या है कहानी ऐसा एक्सपियर लिया था कॉन्वेक्स बताऊंगी इसको यहाँ से अपन ने बेटा कट लगाया और एक जो सरफेस है एक सरफेस को हमने क्या किया पॉलिश हैव वी डन ये जो बनाई है ना ये ऑब्लिक बनती हैं वी हैव दैट सरफेस सिल्वर कोटिंग या पॉलिश कर दिया तो उसका जो ये दूसरा वाला सरफेस होता है दूसरा एंड वो बन जाता है मिरर यानी वो शो करेगा रिफ्लेक्शन सो so ये क्या है ये हो जाएगा दिस विल बी अ अन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर मजेदार है इसका पार्ट जो है बल्जिंग आउटवर्ड से बल्जिंग यानी ऐसे पेट निकल जाता है टमी बहुत ज्यादा खा लेते हैं या प्रेग्नेंट वुमेंस में टमी निकल जाता है सिमिलरली कॉनवेक्स मिरर में मिरर का टमी निकल चुका है बल्जिंग आउटवर्ड शेप है ये मैं क्यों बता रही हूँ बिकॉज सेशन स्टार्ट किया है तो चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए अब इमेज फॉर्मेशन की बात है तो बेटा अगर कॉनकेव मिरर पढ़ लिया है सो दिस इज नॉट अ बिग डील बहुत ही आसान है कॉन्वेक्स मिरर की कहानी पढ़ना जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही चलेंगे रूल्स भी सेम ही हैं बस ये है कि इमेज फॉर्मेशन में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना कॉन्केव में जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बोलोगे मैम क्लास की शुरुआत में ही यस लेट मी सी किस किस को याद है कि कॉन्केव मिरर में हमने कितने केसेस पढ़े थे यानी कितने केसेस में हमने ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह प्लेस किया था कैसे बताओगे सेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन क्विकली ऑल चलिए तो कहानी शुरू करते हैं कुछ ऐसे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर आपको दिख रहे होंगे दो नाम तो सोचोगे मैम दो ही हैं हाँ बेटा भूली नहीं हूँ मैं दो ही हैं दो ही ऐसे केसेस हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं नाउ सम स्टूडेंट्स आज की मैम निकाला तो एक ही स्पीयर से है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर वाई इज इट दैट सो कि यार कॉनकेव में इतने सारे पॉसिबिलिटीज थे और यहाँ सिर्फ दो भेदभाव क्यों तो इसका मैं आपको रीजन समझाती हूँ कुछ भी पढ़ो ना उसका रीजन समझ के पढ़ा करो सो दैट यू नो कि हाँ यार ये ठीक है अगर आपकी बुद्धि में आपके ब्रेन में कोई भी क्वेश्चन मैग्नेट की तरह चिपक जाए तो वो अच्छा नहीं है इसलिए मैग्नेट ब्रेन से हम ये क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं बिल्कुल इस चीज़ को क्लियर करो ऐसा क्यों है समझो बात मेरी ठीक अब ये जो स्पीयर था ठीक है ये जो स्पीयर ग्लास स्पीयर इसको इमेजिन करो ऑल वी आर ड्राॅइंग इट ऑन अ ब्लैक बोर्ड इट्स कमिंग टू डी इमेजिन एक बेटा ग्लास का स्पीयर है है ना ऐसे ग्लास का स्पेयरिकल बॉल है अब उसमें से आपने जब दो कट लगाए एक यहाँ लगाया एक यहाँ लगाया ठीक है और इस केस में हमने जो है आउटर सरफेस को पॉलिश किया आई होप इट्स वेरी क्लियर और इस केस में हमने इनर सरफेस को पॉलिश किया बिल्कुल ध्यान से सुनना ये टर्म्स पढ़ चुके हो स्पियर का कोई सेंटर होता है है ना तो यहाँ हमने क्या टर्म किया इसको कैपिटल सी दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर अब ध्यान से सुनो ये जो है बात ये है कॉनकेव मिरर की अब कॉनकेव मिरर में मजेदार बात ये है कि ये पार्ट देखो यहां से आउट आया है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा इमेजिन करो ये हम बनाते कैसे हैं वी हैव इमेजिन कि ये पूरा स्पीयर है अब घड़ी घड़ी पूरा स्पेयर तो नहीं बनाओगे इट्स नॉट नीडेड यू विल जस्ट ड्रॉ द मिरर ठीक है तो अब बताओ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है यहां पे है क्योंकि इधर से आप पूरा स्पीय बना सकते हो ठीक है कभी अगर समझ नहीं भी आए ना कि कौन सा पार्ट कहाँ है सो so, अपनी पेंसिल से या रफ में यू जस्ट ड्रॉ एन इमेजनरी लाइक दिस ऐसे कि अच्छा अब मैं समझ गई कि सेंटर ही आएगा ऐसे नहीं कि सेंटर आप उधर कर दो ठीक है अब कॉनवेक्स मिरर की कहानी में क्या करोगे देखो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर ये बेटा इसका बल्जिंग पार्ट है ठीक है अब मानती हूँ बिल्कुल मानती हूँ कि मिरर तो ये है सरफेस तो यहाँ है रिफ्लेक्शन यहाँ होगा पर बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वहीं रहेगा ना चेंज बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां था इस साइड के इधर था मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाता है बैक ऑफ दैट इज कॉनकेव मिरर बिल्कुल समझते जाओ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कोई बात नहीं ये कॉन्केव मिरर है ये कॉन्वेक्स है अब की क्या कहानी है सेंटर सामने है मिरर के सामने लेकिन क्यों? तो ऑन नहीं करे हैं तो ऐसा नहीं कि सरफेस uh, पे आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं फॉरगेट दैट पॉइंट ऑलवेज अगर डाउट आता है बिकॉज शुरुआत अभी करी है आगे चल के तो आपको एकदम जो है ना याद हो जाएगा बट बिगिनिंग में इफ यू अ डाउट पूरा स्पेयर बना लिया करो एंड देन कहानी देखा करो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आता है में? में. So में, क्योंकि सामने है तो वी कैन लॉट ऑफ केसेस इन्फिनिटी हो गया इन्फिनेटी सी के बीच में हो गया सी पे हो गया सी और एफ के बीच में हो गया एफ क्या है एफ यहाँ पे आएगा ना फोकस सेंटर में फोकस इसके बीच में ले लिया फोकस और पोल के मतलब ले सकते हैं पॉसिबिलिटी काफी है अब कॉन्वेक्स में भाई ये तो पीछे है अब बैक ऑफ द मिरर तो ऑब्जेक्ट लोगे नहीं मिरर के पीछे थोड़ी ना होगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सामने होगा सामने में कुछ है ही नहीं कंडीशन सिर्फ क्या बनती है बताती हूं मैं देखो अब यहां मैं सिर्फ जो है आपको बना के दिखाऊंगी कॉन्वेक्स मिरर ये साइड जो है हमने कर दिया है पॉलिश ये क्या बनाई है मैंने सीधी सी प्रिंसिपल एक्सेस What is this? This is principal axis. ये जो है टर्म्स बस रिवाइज करते जाया करो हर सेशन में मैं बार बार लिखती हूँ ताकि आपको याद होता जाए ये पोल है अब सेंटर तो बेटा यहाँ पे है और F कहीं यहाँ पे होगा ये बैक ऑफ द मिरर है तो केसेस क्या बचते हैं एक केस रहेगा कि जो है कहाँ से आ रही है रेस इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट जो है बेटा कहाँ रखा है इंफिनिटी एक ये केस है अब यहां पे प्रिंसिपल एक्सेस पे आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो लिसन टू मी वेरी केयरफुली प्रिंसिपल एक्सेस पे बेटा कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट बात तो एक ही है ना आप कहीं नहीं मेंशन कर सकते सेंटर ऑफ बिकॉज ये सारे पार्ट तो यहाँ है तो वन केस हो जाता है इंफिनिटी और दूसरा केस हो जाता है एनी वेयर बिटवीन एनी वेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ये इंफिनिटी का साइन होता है ऐसा साइन इंफिनिटी अनंत ठीक है So anywhere between infinity and pole, कहीं भी रख 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 दो दो तो दो दो के 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 भी 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 तो तो वही वही बात बात है है थोड़ा थोड़ा और दूर वो आगे कहीं कहीं बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो वही बात आएगी इसीलिए इसलिए यहां कहानी आसान हो जाती है एंड आई होप मेरे स्टूडेंट्स हो कॉन्केव मिरर पढ़ चुके हो तो कॉन्वेक्स यू ऐसे ना मैं सॉल्व करूं उससे पहले आप सॉल्व कर देंगे और राइट सो आई होप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो यू ऑल आर रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन साथ में बनाया करो ऐसा नहीं है बढ़िया देख रहे हो मूवी चल रही है है ना यू हैव टू ड्रॉ दीज रेज विद प्रॉपर पेंसिल स्केल एंड मेजरमेंट मेजरमेंट एज एन सेंटर ऑफ करवेचर दस सेंटीमीटर लिया तो बेटा फोकस पाँच लेना आधा करके ताकि आपका जो रे डाइग्राम है और जो इमेज फॉर्मेशन है एकदम एग्जैक्ट प्लेस पे आए ओके okay, चलिए शुरुआत करते हैं और लास्ट में यूजेस ऑफ स्वर्कल मिरर तो देखेंगे ही लेट्स स्टार्ट देयर आर only two possibilities of position of object in the case of a convex mirror that is object at infinity and object between infinity and pole of pole of a convex mirror so similarly as i said piche only two possibilities will be there one object at infinity second object between infinity and pole okay लेट्स बिगिन विद ऑब्जेक्ट एट बता देती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं ऑल दो यहां मैंने इमेज दिया गया है डायग्राम नहीं हम अपने हाथों से यानी मैं भी बनाऊंगी तो आप भी मेरे साथ डायग्राम बनाओ और स्टडी करो पहले अपन बेटा क्या कर लेंगे पहले अपन जो है ऑब्जेक्ट को इनफिनिटी पे प्लेस करेंगे तो आइए देखते हैं क्या कहानी है चलिए नाउ इफ यू रिमेंबर द रूल्स फॉर ड्रॉइंग द रेज दिस इज द पार्ट वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट डाउट कि मैम रटना है क्या रे डाइग्राम कि मतलब ऐसे रे आ रही है तो वो ऐसे जा रही है मैंने देखा था तो इट नॉट गोस फॉर कि मैंने देखा था ये रूल्स होते हैं रूल्स फॉर ड्रॉइंग कैसे जो है इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्टेड रे जाती है कैसे इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्टेड रे जाती है तो इनके जो है प्रॉपर क्या होते हैं रूल्स होते हैं जो रूल्स डोंट वरी जो रूल्स कॉनकेव में थे वही सेम रूल्स किस में चलेंगे कॉन्वेक्स में चलेंगे क्विकली रिकॉल करवा देती हूँ क्या क्या रूल थे एक रूल तो ये है देखो कॉन्केव कॉन्वेक्स में बस बेटा फर्क इतना आ जाता है कि यहाँ पे पीछे है कहानी तो एक्चुअल में मीट नहीं करेगी अपियर टू मीट करेगी बोलो मैम समझ नहीं आया देखो कोई भी चीज मिरर के जब सामने हो रही है तो वो रियल है यानी रियल एंड वर्चुअल रियलिटी सुना है ऐसे कुछ गेम्स होते हैं तो रियल यानी जो हम एक्चुअल में खेल रहे हैं एक्चुअल में हो रहा है वर्चुअल यानी एक्चुअल में नहीं हो रहा है लेकिन हमें दिख रहा है तो ये क्या कहानी है फ्रंट ऑफ द मिररर एनीथिंग हैपन्स यानी रेज मिरर के फ्रंट में तो पता चलेगा कि हाँ यार ये कहीं ना कहीं जो है ये मिल रही है ये कहीं ना कहीं तो ये जो है मिल रही हैं लेकिन जब मिरर के बैक में कोई कहानी चलती है तो हम हमेशा डॉटेड लाइंस बनाते हैं लाइक दे आर नॉट मीटिंग हमें नहीं दिख रहा कि वो मिल रही हैं बट दे आर अपियरिंग टू मीट दे अपियर टू मीट एट द बैक ऑफ द मिरर सो दिस इज द डिफरेंस ओनली इन कॉन्वेक्स मिरर सो वन रूल लेट मी टेल यू एक चीज़ क्या होती है एक चीज़ समझो सबसे पहला कोई भी रे कोई भी इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आती है किससे प्रिंसिपल एक्सेस से दिस इज प्रिंसिपल एक्सेस है ना सो so, कोई भी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आती है बेटा ऐसे पैरेलल आती है तो इन केस ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर सेम है कहानी कॉनकेव जैसी बस इसमें मैं एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा दूंगी क्या बोला सेम है कहानी कॉन्केव जैसी बस एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा दूंगी वहां मैं लिखती हूँ रेज मीट एट फोकस वहां मैं लिखती हूँ रेज मीट एट फोकस यहाँ जस्ट मैं एक छोटा सा वर्ड लगा दूंगी अपियर टू मीट बताओ वही कुछ फ़र्क पड़ा बस अपियर टू मीट लिख दूंगी और ये कहानी बैक ऑफ द मिरर चलेगी और मैं डॉटेड लाइंस बनाऊंगी बस इतनी सी कहानी है बिल्कुल कंफ्यूज लगता है कि दोनों की कहानी बहुत डिफरेंट है नो इट्स जस्ट द मिरर्स आर डिफरेंट और एक दो एक्स्ट्रा वर्ड लगाए हैं, right? तो अब जो है बेटा फोकस तो इधर है सो वॉट विल है so happen, आपको दिखेगा कि ये जो rays, rays है, focus, और में कैसे जाएंगी मैम तो ये यहाँ आई और इसी से सीधी लाइन बना देना ये ऐसे आई दे अपियर टू मीट और यहीं से सीधी लाइन तो आपको यूजुअली ऐसी दिखेगी यूजुअली ऐसी दिखेगी तो ये रूल तो कौन में भी था

कोई भी इंसिडेंट रे फोकस पे आ रही हो बेटा डायरेक्टली अभी तो पैरेलल आ रही थी अब फोकस पे आ रही हो डायरेक्टली तो क्या होगा ऐसे बोलो फोकस पे आ रही है डायरेक्टली तो क्या होगा ये जो रे है ध्यान से सुनना ये जो रे है ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो रे है ये क्या हो जाएगी ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से इसको नहीं बढ़ाना है रिफ्लेक्टेड रे को आगे बढ़ाना है ठीक है समझ गए कि नहीं कहानी समझ आई कोई भी रे अगर आ रही हो फोकस पे डायरेक्टली तो वो क्या हो जाएगी पैरल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से आई होप इट्स वेरी क्लियर कुछ भी आई थिंक डाउट नहीं आना चाहिए था और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से आती है ऐसे तो वो तो चली ही जाती है वैसे वहीं की वहीं चली जाती है ऑल राइट एंड कोई भी मान लो पोल पे आ रही हो डायरेक्ट पोल पे डायरेक्ट आ रही हो तो वो पोल से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है जैसे एंगल आई और एंगल आर जो है इक्वल हो जाए I is equal to R हो जाएगा जब भी कोई भी रे डायरेक्टली पोल पे आती है I hope it's very clear। आगे भी डिस्कस करेंगे लेट्स बिगिन विद केस नंबर वन बिना किसी देरी के आपकी नोटबुक में भी लिखना स्टार्ट कर दो केस वन वट वॉज द केस वन जब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी अभी हमने कहां रखा है ऑब्जेक्ट रख दिया बेटा इन्फिनिटी पे ओके सो ड्रॉ विद मी कैसे ड्रॉ किया करो खैर सबका अपना अपना स्टाइल होता है मैं प्रिंसिपल एक्सेस पहले बनाती हूँ फिर जो है एक मिरर बनाती हूँ और उसके बाद ये डैश 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 अरे मतलब पॉलिश बना देती हूँ ठीक है चलो समझ गए ये प्रिंसिपल एक्सेस है अब क्या बनाओगे अब एक काम करो बना दो इतने डिस्टेंस पे फोकस और इतना है इतने डिस्टेंस पे अपन सी ले लेते हैं ये मैंने ऐसे क्यों किया ये आपको मेजर करके बनाना है मेजर करके जितना मान लो इफ यू हैव टेकन सी टू बी आपने सी कितना ले लिया टेन सेंटीमीटर लिया है तो एफ पाँच सेंटीमीटर पे लेना कट ठीक है तो इक्वल आएगा चलिए अब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना है ऑब्जेक्ट प्लेस करना है इन्फिनिटी पे तो याद रखिए इन्फिनिटी की बात है इन्फिनिटी यानी अनंत दूरी पे इन्फिनिटी यानी अनंत दूरी पे बहुत दूर ठीक अब बहुत दूर कोई चीज़ होगी तो उसकी रेस कैसे आएंगी बहुत दूर का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बोलो कि भाई सन मून से आ रही है बहुत दूर कुछ भी दूर हो सकता है वो चीज़ जो आपको लाइक मान लो आपके आपके जो है स्कूल या आपके स्कूल के उधर से आपका घर बहुत दूर मान लो नहीं दिखता भाई इतना दूर है तो उसे भी इन्फिटी मान सकते हैं इन्फिटी डजेंट मीन कि इट्स कमिंग फ्रॉम द मून और समवेयर इन द स्पेस नहीं आप ऐसे भी मान सकते हो दूसरी साइड वाला रोड के दूसरी पार वाली उस साइड वाली चीज़ ओके चलिए तो इन्फिनिटी से रेज आती हैं कैसी आएंगी पैरेलल आएंगी सो लेट्स ड्रॉ अ पैरेलल रे अगेन जब भी रे ड्रॉ करो तो एट अ टाइम जब भी रे ड्रॉ करो एट अ टाइम उसका एरो ड्रॉ किया करो बिकॉज एरोक्शन एरो क्या डिनोट करता है बेटा डायरेक्शन डिनोट करता है ठीक है सो so, अगर आप क्या करो सारी लाइन्स बना के रख दोन यू ड्रॉ दरोट्स नॉट डन हाँ देट मीन टाइम यू कैन टेक यू ड्रॉ द लाइन एंड देन यू मेक दई होप इट्स क्लियर तो मुझे जरा बताओ ये आई है पैरल तो ये कहाँ जाएगी इट विल अपियर टू मीट एट फोकस फोकस पर मिली और यहाँ से टाटा और बाय बाय दोनों कर दिया इसने यहाँ से पैरेलल रे आई और फोकस पे मिली ठीक है अब यहाँ से भी एक पैरेलल रे ले आओ जितनी लानी है दो से क्यों बताते हैं अगेन लेट मी क्लियर द कन्फ्यूजन किसी भी ऑब्जेक्ट से ऐसे दो रेज नहीं आती हैं वो तो स्टडी को आसान करने के लिए हम सिर्फ दो रे पढ़ते हैं यहाँ मैं चार बना दू दस बना दूँ तो भी रिजल्ट वही आएगा सो इट्स ईजियर टू स्टडी विथ स्मॉलर रेज लाइक लेसर रेज ओके तो ये एक रे और आई इन्फिनिटी से फिर ये कहाँ अपेयर टू मीट करेगी बेटा फोकस पे और इसी को जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी यानी फ्रंट ऑफ द स्क्रीन में तो ऐसे दिखेगा कि ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई लेकिन एट द बैक ऑफ द मिरर इट इज अपियरिंग टू मीट एट फोकस ओके ये पोल है चलिए तो अब यानी यहां पे ये मीट कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं तो बेटा हमारी जो इमेज है हमारी जो इमेज है वो भी तो यहीं बनेगी जो इमेज है वो भी यहीं बनेगी बोलो मैम दिख तो नहीं रहा है इतू सी बनेगी हाँ जी इंफिनिटी पे तो इसके ज़रा मुझे इमेज के फीचर्स तो बताओ क्या क्या फीचर हो गया एक फीचर तो हो गया पॉइंट साइज इमेज एकदम मटर के दाने जितनी इमेज देख लो ना क्लियरली पॉइंट साइज बिकॉज फोकस पे ही बन रही है पॉइंट साइड इमेज हो गई और बताओ कहाँ बन रही है मिरर के पीछे बन रही है तो कैसी होगी बेटा रियल नहीं है वर्चुअल है और कैसी होगी इरेक्ट होगी सीधी खड़ी हुई वैसे तो पॉइंट साइज है पॉइंट साइज़ है तो इरेक्ट ही दिखेगी जो हम देखते हैं छोटी चीज बड़ी दिखती है सो ऑपोजिट वर्ड हो गया उसका डिमिनिश्डिश यानी इमेज तो बहुत बड़ी थी ऑब्जेक्ट सॉरी नॉट इमेज ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा था लेकिन इमेज इतू सी दिखती है ओके okay? ये क्लियर है कि नहीं सोच रहे हो मैम यही था केस वन यही है वेरी सिंपल बहुत ही सिंपल केसेस हैं अच्छा यहां जरूर से जो है ना लेबलिंग कर लेना ये क्या है ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे ये भी इंसिडेंट रे है और ये क्या हो गई रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे ओके okay. एंड ये क्या है प्रिंसिपल एक्सेस और ये रेज कहाँ से आ रही है इन्फिनिटी से जैसे डॉट डॉट बना दिया करो जब भी इन्फिनिटी से आती हैं या मिरर के पीछे जाती हैं तो आप डॉट डॉट लाइन से भी उसे डिनोट कर सकते हैं आई वेरी वेल होप कि सब ने जो है ये रे डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाया होगा एंड इफ दिस इज क्लियर सो लेट्स मूव ऑन टू द थ्योरी पार्ट चलिए अब देखो अब जो डायग्राम मैंने बनाया और मैंने ये क्यों दिखाया है बिकॉज यूजुअली बुक्स में ऐसा देखते हो और कंफ्यूज हो जाते हो इतनी लाइन्स देख के छोड़ देते हो मैम क्या पढ़ेंगे इसमें तो अब देखो ना अब कुछ डिफिकल्ट लग रहा है कुछ भी नहीं है ये सिंपली प्रिंसिपल एक्सेस है यहाँ फोकस है यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है पैरल रेज देखो यहाँ पे मजेदार बात है इन्होंने ले ली चार रेज अब मुझे बताओ पीछे मैंने दो ली थी यहाँ चार ली है इज देयर एनी डिफरेंस इन द रिजल्ट कोई डिफरेंस नहीं है चार लो आठ लो सौ लो कोई डिफरेंस नहीं होगा जो कि है आपकी रेज विल ऑलवेज अपेयर टू मीट एट फोकस इन दिस केस

Highly diminished, मैंने बता दिया यूजली आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन में ऐसे ही वर्ड्स दिए जाते हैं और कैसी होगी virtual and erect. Virtual क्यों? Real नहीं है भाई मिरर के पीछे बन रही है अपीयर टू मीट हो रही है तो इट इज वर्चुअल इमेज केस वन हैज बीन डन केस नंबर टू आई होप आर रेडी क्या है case two? Object between infinity and pole. तो मेरे बनाने से पहले जो है बना लेना केस टू चलिए केस टू हम ले लेते हैं केस टू मेजरमेंट से पहले ही बना लिया करो है ना मैं बनाऊ उससे पहले बना लो एट इन्फिनिटी एट नहीं बिटवीन लिखेंगे ना बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल इन्फिनिटी को मैंने साइन से डिनोट किया है समझ जाना है ना चलो अब अगेन बनाते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस एक मिरर जो कि है कॉन्वेक्स मिरर दिस पोल यहाँ तक फोकस ले लेते हैं और यहां पे जो है हम सेंटर ऑफ करवेचर ले लेते हैं ओके okay, चलिए आपकी मर्जी है आप चाहो आप थोड़ा और दूर भी ले सकते हो मेजरमेंट कोई दिक्कत नहीं है जैसा आपको लगे ओके चलिए लेट्स बिगिन विद इज प्रिंसिपल एक्सिस पी ए लिख देते हैं इसे Now what is the case? The case is when object is placed between infinity and pole. तो बेटा इस केस में आप इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी रख सकते हो आपका मन क्या आप पोल के इतना पास चिपका के रख दो यहाँ रख दो यहाँ रख दो तो हम थोड़ी ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ रख देते हैं ठीक है ऑब्जेक्ट यूजुअली ऐसे एरो से बनाया जाता है जहाँ एरो हेड हो वो सर माना जाता है तो ए और बी से जो है हम इसे डिनोट कर देते हैं आई होप इट्स क्लियर तो नाव वेन यू आर ड्रॉइंग द रे डाइग्राम इट्स योर चॉइस जो रेज आपको ईजी लगे वैसी रेज आप बना दो तो मुझे पैरल रेज बनाने में बड़ा मजा आता है तो मैं जो है ना रुक जाओ कोई कलर लेते हैं अपन इससे बनाते हैं आ जाओ एक बनाई मैंने यहाँ पे पैरल रे ठीक है पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो बेटा कहाँ से पास होगी फोकस से इट विल अपेयर टू मीट एट फोकस ऐसे हो जाएगी ठीक है और ये जाती हुई तो ऐसे दिखेगी बाय बाय दिस वॉज इंसिडेंट रे पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस पैरल है तो रिफ्लेक्टेड रे विल अपियर टू मीट एट फोकस एंड इस साइड पे आप इसको सीधी बना दिया करो यू ऐसे ठीक आई होप दिस इज क्लियर चलो नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं नेक्स्ट हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करते हुए चलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्रॉस जब करेगी ये तो देखो यहाँ से जो है हमने बना दी सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रही है और इधर जो है यूं बना दी तो so ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बननी चाहिए तभी मैंने कहा अब मैं यहाँ तो स्केल लाऊंगी नहीं हाँ वैसे मैं हाथ से कर सकती हूँ पर वो क्या है ना रब हो जाएगा तो आपको जो है स्केल का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए बनाओ ना क्या दिक्कत है ऐसे लाइन रखो और यूं बना दो चलिए ओके सो so, यानी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी तो वहीं से क्रॉस होके वापस आ जाएगी नाउ वेयर विल यू ड्रॉ द इमेज इमेज कहाँ ड्रॉ करोगे जहाँ पे ये जो रेज हैं ये इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को काटें तो इस पॉइंट पे काट रही हैं तो बेटा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपका आया है उसकी इमेज यहां खड़ी कर दो ऐसे देखो ये इमेज खड़ी कर दी हमने इमेज तो बिल्कुल सीधी दिख रही है तो ये हो गया ए डैश ये बी डैश इमेज है तो डैश से रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश और बी डैश सो आई होप समझ गए हो इमेज जरा तो मुझे बताओ किस किस के बीच में बनी है इमेज की पोजीशन क्या है किसके बीच में बनी है ये पोल है बेटा ये फोकस है सो so, इमेज इज बिटवीन पोल एंड फोकस तो यानी कभी भी जब आप ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में इंफिनिटी और पोल के बीच में रखोगे तो हमेशा इमेज कहाँ बनेगी पोल एंड फोकस के बीच में चलिए अब अगेन सेम कहानी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है बिहाइंड द मिरर और बिल्कुल सीधी बनी है इरेक्ट यानी क्या जहां सर है वहीं सर है और जहाँ पैर है उल्टी इमेज नहीं बनी है ऑल राइट एंड लास्ट पॉइंट टेल मी ऑब्जेक्ट तो यहाँ जब कंपेयर करोगे और अपनी नोटबुक में भी चेक करना ऐसा ही रिजल्ट आना चाहिए When you will see the object, आपको देखेगा ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है यहाँ पे हाइट लेकिन ऑन द अदर हैंड इसकी जो इमेज है वो कम्पेरेटिवली है देखो ना यहाँ भी क्लियरली दिख रहा है ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा दिख रहा है इमेज है जो छोटी दिख रही है विच मीन्स इमेज इज डिमिनिश यूल दिस वर्ड स्मॉल इमेज और डिमिनिश क्लियरली यही ऑब्जर्वेशन आए हैं आप सभी के ऑल राइट सो दिस वॉज केस टू वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनेटी एंड पोल इमेज विल कम बिट्वीन पोल एंड फोकस चलिए आ जाए थ्योरी पे ओके सो थ्योरी में भी जब डायग्राम सेम ही है समझो ये केस लिया है और इन्होंने भी आई थिंक सेम ही चीज ली है पैरल लाइन ली है और एक सेंटर ऑफ करविचर से क्रॉस करती हूँ तो देखो बेटा इमेज पोल एंड फोकस के बीच में बन रही है छोटी सी यहाँ पे एक इमेज बनी है वेन दब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ अन्वेक्स मेरा

आई होप अब रे डायग्राम बना लिया है तो रूल्स तो पता ही है इसलिए मेरे लिए आसान होगा बताना क्विकली लेट्स रिकॉल द फोर रूल्स रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर यानी आप जो है इमेज लाइंस कैसे निकाल रहे हो बिकॉज आई नो जब मैं भी पढ़ती थी ना तो मेरा ये सबसे पहला डाउट होता था कि भाई मैम ऐसे ही रे निकाल रहे हो ऐसा लगता था ना कि चलो ये ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया मेरा मन किया मैं यहाँ से ले आऊँ यहाँ से ले आऊँ यहाँ से ले आऊँ कुछ भी हो सकता है ना सो हाउ इज दैट तभी रूल बनाए गए हाउ इज दैट कि एकदम आप एग्जैक्ट आप ऐसे क्रॉस करवाते हो तो वो वहीं जाएगी सो दीज आर ऑल रूल्स ये रूल्स होते हैं आपको मन से नहीं बनाना है रूल्स होते हैं यू कैन वर्क अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स सो करस्पॉन्डिंग रूल्स फॉर मिरर आर रूल नंबर वन रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर इन अ डायरेक्शनल पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपियस टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ये रूल मैंने उस वक्त भी बताया था क्विकली जो है रूल्स के डायग्राम्स बना लो कुछ भी नहीं है देखो यहाँ पे फोकस है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है अब जो है मान लो यहाँ पे बेटा एक ऑब्जेक्ट रखा है अपन ने अब कैसे आएगी light? कैसे आएगी आएगी लाइट रेज तो अगर रे पैरेलल आई है ये पहला रूल है अगर रे पैरेलल है किसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल देखो ना ऐसे सीधी चल रही है तब क्या होगा तब जो है रिफ्लेक्टेड रे फोकस पे मीट करेगी और वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये रूल ऑलरेडी देख चुके हैं तो कभी भी ऊपर नीचे कहीं से भी आप पैरेलल रेज निकालोगे तो इट विल टू मीट एट फोकस और वहीं से जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये होता है पहला रूल चलिए रूल नंबर टू क्या है अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन कॉन्वेक्स मिरर ऑन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर is is reflected back along the same path. path That is, such a ray reflects its path on reflection. Again, Quickly rules. convex तो तो भी, च... भी पढ़ चुके हो ठीक है चलिए अब क्या बोला है सेंटर ऑफ curvature की कहानी पहले ही बता दी थी मैंने यहाँ मान लो फोकस है यहाँ मान लो सेंटर ऑफ curvature है अगर सेंटर ऑफ करवेचर पर जाती है कोई रे इंसिडेंट रे तो ये वहीं से सेम पाथ पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी मतलब मतलब अगर जिस रास्ते से आप स्कूल गए थे उसी रास्ते से वापस आ गए हैं ना रास्ता वस्ता चेंज नहीं किया भाई है ना जिस रास्ते से गए थे वहीं से आ गए दैट इज सेंटर ऑफ करवेचर की स्टोरी आई होप दैट इज क्लियर लेट्स कम टू रूल नंबर 3 रूल 3 क्या कहता है देख लेते हैं पहले इसे ड्रा करते हैं फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ

अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस पे ही आके गिर रही है तो वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस से वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेगी। प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट होके जाएगी पैरल ओके okay? ये है रूल नंबर थ्री वेरी इजी एंड लास्ट रूल रूल नंबर फोर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली टूवर्ड्स द पोल पी

इसे स्लैंड भी कह सकते हो ऑब्लिक भी कह सकते हो तो कोई भी ऐसी इंसिडेंट रे ये क्या है ये आई आर लिख देती हूँ इंसिडेंट रे कोई भी ऐसी इंसिडेंट रे जो पोल पे डायरेक्ट यानी ऑब्लिकली आ रही हो तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही ऑब्लिक होगी किस तरह से जैसे इन दोनों के बीच का जो एंगल है एंगल ऑफ आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इक्वल हो जाए ऐसी होगी इसकी रिफ्लेक्टेड ऐसा कुछ नजारा जो है आपको देखने को मिलेगा रे, रे, मतलब अगर मान लो बेटा डिग्री हो तो आर भी कैसा हो जाएगा थर्टी डिग्री जो भी डिग्री होगा फोर्टी होगा फिफ्टी होगा सिक्सटी होगा आर भी जो है सेम हो जाएगा सो दिस इज रूल नंबर फोर इट वॉज जस्ट ऑफ द रूल्स आई होप कॉन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्मेशन समझ आए रूल समझ आए नाउ लगता है ना मैम ये सब पढ़ तो रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं इनका यूज है कि नहीं तो इतना यूज है मतलब आप आस पास डेली लाइफ में ये सब चीजें देखते हो और आज जो है इन्हें समझ जाओ उस मीन नेक्स्ट टाइम आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो याद करना मेरी कहानी याद करना कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाया था लेट्स बिगिन विद यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर स्टार्टिंग विद बिगिनिंग विद द वेरी बेसिक दैट इज एज अ रियर व्यू इन व्हीकल्स सबसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कॉन्वेक्स मिरर का जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं व्हीकल्स होती हैं उनमें जो साइड मिरर होता है बेटा कॉमनली अपन साइड मिरर कहते हैं ना पीछे का देखते हैं उससे है ना बार बार ऐसे पीछे मुड़ के तो नहीं देखेंगे नहीं तो रोड पे कौन देखेगा इसीलिए इसी की सुविधा के लिए जो है साइड मिरर लगाए गए जिन्हें कहा जाता है रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स कार्स ट्रक्स टू सी द ट्रैफिक एट द बैक साइड अब इसकी कहानी अगर जो है अब नेक्स्ट टाइम जब भी बेटे गाड़ी में बैठो तो याद करो उसको देखना मिरर को देखना जब आप ऑब्जर्व करोगे ना आप पीछे मुड़ के देखना तो नज़ारा जो है बहुत बड़ा है बेटा मतलब इतनी सारी बड़ी बड़ी ट्रक्स आ रही हैं कार आ रही हैं लेकिन उस साइड व्यू मिरर में सब समा जाता है अजब ही कैसे यार क्योंकि नॉर्मली जब हम मिरर में देखते हैं तो अलग कहानी है लेकिन इस साइड मिरर में देखते हैं तो इतनी सारी चीज़ें इतने से मिरर में कैसे समाती हैं तो आई होप जब कॉनवेक्स मिरर में समझ चुके हो इमेज फॉर्मेशन तो आपको कहानी पता है क्यों क्योंकि हमने दोनों केसेस में देखा था इमेज कैसी बन रही थी छोटी डिमिनिश्ड बन रही थी यानी ऑब्जेक्ट तो आपके बहुत बड़े हैं ऑब्जेक्ट हैं बिल्कुल हाथी जैसे ऑब्जेक्ट हैं बिल्कुल एलिफेंट और आपको इमेज दिख रही है चूहे जैसी यानी सब एक में समा सकता है दैट इज व्हाई कॉनवेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स व्हाट आर द रीजंस रीजंस भी समझो अगर आपको जो है एमसीक्यू में रीजन्स आ जाए कि इनमें से कौन सा रीजन है कॉन्वेक्स मिरर को एज अ रियर व्यू मिरर यूज करने का सो रीजन नंबर वन कॉन्वेक्स मिरर्स ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज इरेक्ट इमेज होती है एक तो सीधी यानी सर पैर उल्टे नहीं हैं और दूसरी बात क्या होती है डिमिनिश होती है यानी आप ज़्यादा चीज़ें जो है ज़्यादा एरिया आप छोटे से उसमें कवर कर सकते हो पॉइंट नंबर टू दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर curved आउटवर्ड समझ रहे हो यानी बल्जिंग आउटवर्ट ऐसे पेट निकला हुआ है पेट निकला हुआ है यानी उसमें फील्ड ऑफ व्यू वाइडर होता है ये देखो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है इतना बड़ा पहाड़ ओ भाई इतना बड़े पहाड़ वो कार कंपेयर करो पहाड़ से बट स्टिल वेन यू लुकिंग इन द रेर व्यू मिरर यू कैन सी द माउंटेन यू कैन सी द स्काई पीछे का पूरा रोड दिख रहा है आपको ठीक है तो इसलिए समझे वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है

ये पहला जो आपको दिया है ना यहाँ पे ये एक कॉन्वेक्स मिरर है ये क्लियरली दिख रहा है ये क्या है ये एक कॉन्वेक्स मिरर है और ये एक प्लेन प्लेन मिरर कैसा होता है जो आपके घरों में जिसमें बढ़िया जो है बाल बाल बनाते हैं है ना बाल बाल मतलब मुंह बनाते हो जो भी बनाते हो ठीक है तो वो प्लेन मिरर होता है प्लेन मिरर यानी क्या सीधा स्पीयर नहीं होगा एकदम प्लेन सो वट आई एम टेलिंग यू इज ये देखो अपनी आंखें हैं भाई ये आंखें हैं नाउ ये कॉन्वेक्स मिरर का एरिया आप देखो व्यू कितना कवर करता है बिकॉज फियर है स्पेरिकल है कहना क्या चाहते हैं मैं बताती हूँ इधर समझो वो छोटी सी जगह में दिख रहा है यहाँ देखो कहना क्या चाहते हैं जैसे ये स्पेरिकल मिरर है तो इसका एरिया कितना होगा देखो वाइडर व्यू इतना इतना फैल सकता है मतलब इतनी चीज़ें यहाँ पे मान लो एक हाथी है एक एलिफेंट है ठीक है एक डॉग है एक ह्यूमन है थोड़ा बहुत रोड है थोड़ा बहुत रोड है ग्रास है माउंटेन है और क्या है ऊपर तक और कुछ भी ले लो ये बना देती हूँ प्लेन मिरर ठीक है बेटा ये प्लेन मिरर का देखो कितना जा रहा है व्यू एरिया कितना जा रहा है देखो ये जा रहा है इतना सीधे जाएगा ना सीधे में तो देखो कितना सा मतलब ग्रास है रोड है आधा ह्यूमन जो है आधा आ रहा है तो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग यहाँ पे वाइडर फील्ड व्यू है लेकिन प्लेन मिरर में थोड़ा कम है दैट इज बाय अब भाई अच्छी चीज है कॉन्वेक्स मिरर है तो क्यों अवॉइड करें जब इतनी बड़ी जो है आपको फायदा मिल रहा है उसका यूजेज मिल रहा है तो करो यूज कॉन्वेक्स मिरर आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताया करो ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे चलिए आगे आते हैं पहला तो समझ गए रेयर व्यू मिरर दूसरा क्या यूज है एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प जहां आप रोड पे चलते हो गाड़ियां चलाते हो रात में देखते हो लाइटें जल जाती हैं, स्ट्रीट लाइट्स कहते हैं उन्हें एंड रिफ्लेक्टेड लाइट स्प्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ अ डाइवर्जेंट बीम ध्यान से सुनना डाइवर्जेंट बीम देयरफॉर लाइट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी क्या डाउट आता है क्योंकि अब कॉन्केव मिरर में हमने बेटा देखा था कि टॉर्च वगैरह में कॉन्केव मिरर यूज होता है सही बात है कि नहीं मैं बिल्कुल बता दूंगी जहां डाउट आएगा है ना मुझे पता है ये डाउट होगा मैम टॉर्च में तो कॉन्केव हो रहा था ये भी तो लाइट ही है इसमें क्यों यूज करते हो बिकॉज वॉट हैपन इज देखो कॉन्केव मिरर में टॉर्च यूज होना ठीक है टॉर्च में कॉन्केव मिरर यूज होना ठीक है बट कॉन्वेक्स मिरर की कहानी क्या होती है देखो यहाँ पे जो बीम आती है ना जो रेज आती है यहां पे जो रेज आती है देखो अभी जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था पैरल रे आई है इट विल अपियर टू पास एट फोकस अब ये जो रे आ रही है ना ये डाइवर्ज हो जा रही है डाइवर्ज ये जो प्रॉपर्टी है इसे डाइवर्जेंट रे भी कहते हैं डाइवर्ज होना यहां से आई और ये डाइवर्ज हो गई रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज डाइवर्ज मतलब क्या ये नीचे से एक और रे निकालती हूँ मतलब मुंह मोड़ लिया इन्होंने डाइवर्ज मतलब पता है क्या होता है दो दोस्त गुस्सा हो गए जाना तो साथ में था मुंह मोड़ लिया नहीं तू जा भाई तू चले जा लाइक like दैट तो अब जरा सोच के बताओ ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जाएगी ये यह यहाँ जाएगी कौन से जन्म में मिलेंगी ये मुझे तो नहीं पता ए ये मिलेंगी ही नहीं तो ये डाइवर्स हो जाती हैं मिलने के लिए इनको मिरर से पीछे आना पड़ता है तो इन्हीं की जो ये क्वालिटी आप समझ रहे हो डाइवर्ज हो गई है, है, तो तो है ना इतना बड़ा रोड है तो हम क्या स्ट्रीट लाइट ऐसी हो, ताकि दूर, दूर दूर तक बीम जाए दूर दूर तक जो है लाइट जाए आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर क्योंकि आपको पता है रोड होते हैं स्ट्रीट लाइट इतनी ऊपर लगी होती है तो वो चाहते हैं रोड के दूर दूर कोने पर भी लाइट जाए

ऑल दो ये पार्ट जो है हम एम सी क्यू में कवर करेंगे लेकिन यहाँ पे क्योंकि चैप्टर पढ़ाया है एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे साथ में एक क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी जिसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ऑल राइट चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से पूरा बताऊंगी मैं पूरा समझाऊंगी डोंट वरी ठीक है अभी समझा दूंगी एमसी क्यू में सिर्फ आप सबको आंसर देना है ठीक चलिए लेट्स रीड द क्वेश्चन फाइंड द फोकल लेंथ Of of क्वेश्चन कैसे, कैसे भी सोल्व करो चाहे एम सी क्यू हो लिखने का हो क्योंकि एक पैटर्न से सोल्व करोगे ना ज्यादातर लोगों के क्या फिजिक्स में क्वेश्चन गलत चले जाते हैं सोल्विंग गलत हो जाती है क्योंकि बेटा प्रोसेस से नहीं करते हो जब

अब बेटा आपको फाइंड आउट क्या करना है निकालना क्या है बोला है फोकल लेंथ निकालो, फोकल लेंथ को small f से करते हैं, ये जो है आपको find out करना है। आपको करना इतना लिख लिया चल गया, अब आइए, अब अब किसकी कहानी है? अब जो है सिंपली हमने कुछ फॉर्मुलाज पढ़े थे लास्ट सेशन में हमने जो है फर्स्ट एक्चुअली फर्स्ट सेशन तो देखा था टर्म्स रिलेटेड विथ लाइट जो है वहां पे हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में और वो कुछ इस तरह था, था कि आर इज इक्वल टू टू एफ यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टू टाइम्स फोकल लेंथ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बिल्कुल और इस्टेब्लिश कैसे किया था वो जा के देख सकते हो सेशन में प्रीवियस सेशन में चलिए अब बेटा आपको दिया क्या गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है निकालना क्या है फोकल लेंथ तो मैं इस तरीके से बहुत ही बेसिक तरीके से बताती हूँ क्योंकि सब टाइप के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं किसी को डाउट होता है सॉल्व करने में तो कोई बात नहीं देखो आपको बेटा फोकस निकालना है तो मैं ऐसे इस कहानी को बोलती हूँ कि जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो क्या बोला जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है वो कहता है यार मुझे अकेला छोड़ दो अकेला छोड़ दो विच मीन्स उसके आस कोई भी टर्म हो मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में हो उसको दूसरी साइड भेज दिया करो दूसरी यानी इक्वल टू के दूसरे एंड पे ये राइट हैंड साइड में है टू तो इसको हमने भेज दिया लेफ्ट हैंड साइड में तो ये क्या कहानी हो जाएगी देखो ये हो जाएगा आर बाय टू इज इक्वल टू एफ कोई भी एक फॉर्मूला याद करो ये याद करो ये याद करो और उससे डिराइव तो कर ही सकते हो ठीक है अब क्या करना है आर की वैल्यू बेटा क्या है आर की वैल्यू है वन मीटर तो वन बाय टू हो गया आ तो गई एफ की वैल्यू एफ इज वन बाई टू मीटर दिस इज योर आंसर कितना टाइम लगा सॉल्व करने में बताओ यह आ गया था क्वेश्चन की निकालनी थी तो क्लियरली जो है आपको आंसर मिल चुका है दैट इज वन बाय टू मीटर ओके एनी डाउट इन दिस आई होप कोई डाउट नहीं होगा क्विकली नोट डाउन कर लिया है तो लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ करवेचर थ्री पॉइंट जीरो जीरो मीटर इफ अ बस इज लोकेटेड एट फाइव पॉइंट जीरो जीरो मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइन द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज क्वेश्चन बड़ा है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें बिकॉज कॉन्केव मिरर में भी इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए हैं तो नाव मैं इस क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगी कि अप्रोच कैसे करनी है मेनली क्वेश्चंस आपको इसी टाइप के दिखेंगे पोजीशन ऑफ द और थोड़ा ज्यादा और घुमाएंगे फिराएंगे तो हम जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अब सबसे पहली चीज क्या किया करो गलती यही हो जाती है यार बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करते हो जल्दी किया करो लेकिन जल्दबाजी नहीं नंबर वन थिंग गिवन वॉट एव क्वान्टिटीज आर गिवन इन द क्वेश्चन नोट देम डाउन यानी जिस जिस भी चीज़ की वैल्यू दी गई है पहले उसकी नोट डाउन कर लो क्यों दिस हैज़ अ स्पेसिफिक रीज़न क्योंकि जिस टाइम मैं आपको पढ़ाती हूँ ना ये फॉर्मूला है इसका ये लॉ है तब वो चीज़ आप याद करते हो एंड जब आप गिवन में डायरेक्टली लिख दोगे ना तो आपके दिमाग में एक यू नो स्टोरी चलेगी अच्छा ये ये गिवन है तो मैंने इस टाइप का कोई फॉर्मूला देखा था ठीक है बिकॉज क्वेश्चन में वॉट हैपन्स दे राइट द थ्योरी वो पूरी लैंग्वेज लिखते हैं लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म पता है अब जैसे मैं बताती हूँ क्या कहना चाह रही हूँ मैं देखो जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा गिवन में बेटा क्या क्या दिया है बताती हूं देखो ऑटोमोबाइल है radius of curvature. हम कैसे करते हैं से है so, ना क्योंकि फॉर्मुला भी अपन ने ऐसे ही देखे थे कैपिटल आर थर्टी मीटर है oh, sorry, 3 meter है इफ अ बस इज लोकेटेड एट फाइव मीटर फ्रॉम दिस मिरर नाउ वट इज द क्वेश्चन एग्जाम में कैसे अप्रोच करना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पहली बार और दूसरी बार दूसरी बार से ज्यादा पढ़ोगे दिमाग में जो है वायरें उलझ जाएंगी जब भी क्वेश्चन पढ़ो ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग कहीं और हो या ना योर माइंड इज एल्स एंड यू आर रीडिंग द क्वेश्चन तो क्या करते हैं बच्चे एग्जाम में वैसे ही जो है ना एड्रेनलिन बहुत रिलीज होता है एनजाइटी स्ट्रेस होता है तो वैसे ही पाँच छह बार क्वेश्चन को पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे नहीं पहले रिलैक्स हो जाओ क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और दूसरी बार पढ़ो अच्छे से पढ़ो एंड देन समझो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है दूसरी बात क्या कही है इफ अ बस इज लोकेटेड अगर एक बस इस मिरर से पांच मीटर की दूरी पे लोकेटेड है यानी यहाँ पे बस क्या हो गया बेटा हमारा ऑब्जेक्ट और ये क्या दिया गया है ऑब्जेक्ट की दूरी विच मीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड वी डिनोट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय स्मॉल यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं ये कितना है फाइव मीटर ये एक गिवन और लिखा ठीक है अब देखो सिर्फ शायद दो ही चीजें दी हैं और क्या करना है फाइंड द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज अब ये तीन चीजें पूछी जाती है तो इसको मैं मैं जब पढ़ाऊँ तो रिलेट करके पढ़ाती हूँ यानी बायोलॉजी से जब याद करो नर्वस सिस्टम देखा था नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो टाइप का था एक था सी एन एस एक है पी एन एस एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको साइड रखो पी एन एस देखो ये है पोजीशन नेचर एंड साइज तो पी एन एस यानी मैक्सिमम आपको क्वेश्चन में ऐसा लाइन पूछ ली जाती है और बच्चों को समझ नहीं आता मैम निकालना क्या है तो पोजिशन समझा करो इमेज की पोजिशन से ये पूछना चाहते हैं कि इमेज कहाँ बनी है कहाँ यानी डिस्टेंस क्या है भाई उसका इमेज डिस्टेंस को डिनोट करा जाता है स्मॉल वी से तो मतलब स्मॉल वी निकालना है पहली चीज क्लियर हुई नेचर ऑफ द इमेज क्या होता है नेचर एंड साइज ये पूछना चाहते हैं कि क्या इमेज रियल है यानी मिरर के फ्रंट में बनी है या है या वर्चुअल मिरर के बैक में बनी है क्या इमेज इरेक्ट है यानी सीधी की सीधी बनी है या इनवर्टेड है? है? है. है, है? है तो ये सब चीजें जो हैं आपको फाइंड आउट करनी होती है क्लियर है अब क्वेश्चन सॉल्व करना जरा सा स्टार्ट करते हैं चलिए लेन थिंग अब हमें दो ही चीजें दी है अब दो ही चीजों से क्या हो सकता है तो फॉर्मुलाइज याद करूं र दिया है यू दिया है लास्ट क्वेश्चन में ही हमने आर से बेटा क्या फाइंड किया था फोकल लेंथ तो इस फॉर्मूला को फिर से लिखो आर इज इक्वल टू टू एफ इसकी कहानी लेके चलो आर दिया है फोकल लेंथ निकाल सकते हैं कैसे एफ इज इक्वल टू आर बाई टू हो जाएगा एफ इज इक्वल टू आर कितना है थ्री ये हो जाएगा टू तो एफ की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई एफ क्या आ गया बेटा हमारा थ्री बाई टू मीटर थ्री बाई टू मीटर एफ आ गया अब इसको बचा के रखो क्यों क्योंकि एक और चीज हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में जिसका नाम था कुछ ऐसा क्या नाम था मिरर फॉर्मूला ये फॉर्मूला कोई भेदभाव नहीं करता है बेटा ये कॉन्वेक्स में भी लगेगा ये कॉन्केव में भी लगेगा दोनों जगह ये एप्लीकेबल है सो व्हाट इज द फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला इज वन बाय प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाय एफ वन बाय यानी वन अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस

जिसको फाइंड आउट करना होता है उसे जरा अकेला छोड़ दो तो यानी वन बाई यू को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई एफ माइनस वन बाई यू इतना समझ आया कि नहीं लिखते जाओ साथ में नोट डाउन करो नहीं तो भूल जाओगे कहाँ चल रही थी कहानी ठीक है चलो अब जो है वैल्यूज तो पुट कर दो जरा वन बाई एफ क्या हो जाएगा वन बाय एफ एफ की वैल्यू हमने निकाली है थ्री बाई टू है तो हम लिखेंगे वन अपॉन थ्री बाय टू और यू क्या है याद करो अब समझो मेरी बात अब मैं आपको बात बताती हूँ देखो मैं इसी पल के लिए जो है इंतजार कर रही थी यहाँ पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा याद रख करो करो ऑब्जेक्ट चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो ऑब्जेक्ट बेटा हमेशा कहाँ रहेगा फ्रंट ऑफ मिरर ऑब्जेक्ट बैक ऑफ मिरर कैसे जाएगा ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा मिरर के सामने क्या याद करना है कार्टिशन साइन हमने देखा था साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ लगता है तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये होता है यानी ये वाली जितनी भी साइड हो गई मैं सिंपली याद कराती हूँ फ्रंट ऑफ द मिरर जो भी साइड हो गई वो कैसी आएगी नेगेटिव वो कैसी आएगी नेगेटिव आएगी कैसी आएगी इस डायरेक्शन में गई नेगेटिव डिस्टेंस कोई भी आया नेगेटिव ऊपर वाली साइड हो पॉजिटिव नीचे वाली साइड हो नेगेटिव ऊपर वाली साइड पॉजिटिव होगा अप होगा तो पॉजिटिव वो होगा तो नेगेटिव आई होप इट्स वेरी क्लियर तो यानी इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज यू वो क्या आता है वो ऑलमोस्ट हर केस में क्या ही रहता है नेगेटिव तो अब मैं यहाँ नेगेटिव लगाऊंगी और आगे जो है सॉल्व करो कैसे वन बाय यू कैसे रखोगे यू होगा माइनस फाइव एक तो फॉर्मूला का माइनस है और यहाँ फाइव का अपना खुद का माइनस है भूल मत जाना है ना कुछ स्टूडेंट सोचें एक माइनस है ना काफी चलो छोड़ देते हैं नहीं आप पहले फॉर्मूला का माइनस लगाओ फिर इसका तभी मैंने बाद में बताया वो है ना कि कंफ्यूज नहीं होना माइनस फाइव अब इसको कैसे सॉल्व करोगे वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई थ्री बाई टू है तो ये टू ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में दिस विल बिकम टू बाई थ्री नाउ दीज आर टू माइनस टू माइनस प्लस वन बाय फाइव आई होप सबका यहीं तक आए हो सो वन बाई वी इज इक्वल टू एल ले लो पांच और तीन का कितना होगा फिफ्टीन ये हो जाएगा फाइव टू जन प्लस ये हो जाएगा थ्री आई होप ये सॉल्व करने आता होगा एंड नेक्स्ट हमने किया थर्टीन बाई फिफ्टीन वी क्या आ जाएगा अब बेटा देखो ये वन बाय वी है वन बाई वी थर्टीन बाई फाइव है वन बाई वी ये सिंपल मैथमेटिक्स किया है मैंने एल निकाल के ये इसमें डाउट नहीं आना चाहिए वन बाय वी क्या है वन बाय वी थर्टीन बाय फाइव लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए वी की चिंता नहीं इनवर्स कर दो इसे इसे क्या कर दो इन्वर्स कर दो उल्टा कर दो तो ये v हो जाएगा तो ये भी ऊपर आ जाएगा 15 व्हिच मींस ये हो जाएगा 15/13 और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1 70 आएगा ना तो 70 अपन 13 5 से ले सकते हैं इसको सॉल्व करोगे तो 1.15 आएगा 1.15 किसमें है वैल्यू बेटा क्या है यूनिट मीटर तो मीटर लगाना कृपया करके मत भूलना तो तो ये तो हो गया एक आपका आंसर ठीक है ये तो हो गया एक यानी आपने इमेज डिस्टेंस निकाल लिया है व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस कमिंग 1.15 मीटर्स ये स्टोरी क्लियर हो कि नहीं थोड़ा साइड हो जाती हूँ देख लो अच्छे से पूरी स्टोरी को कैसे कहानी चली दो की वैल्यू दी थी आर से हमने फोकल लेंथ निकाला फोकल लेंथ मिरर फॉर्मूला में पुट किया इमेज डिस्टेंस की जो है वैल्यू हमने निकाल दी दैट इज वन मीटर अब जरा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे माइनस तो मैंने नहीं लगाया माइनस में तो आंसर आया ही नहीं क्यों नहीं आया बेटा क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर है इमेज कहाँ बनती है एट द बैक ऑफ द मिरर मिरर के पीछे बनती है तो यानी क्या पॉजिटिव देखा था हमने साइन कन्वेंशन में इसीलिए यहाँ पे इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव ही रहेगा वन मीटर ये तो एक कहानी थी अब हमें नेचर और साइज भी बताना है सो तो अगर ये नोट डाउन कर लिया हो तो आगे आते हैं नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज में हम जो है इसको यहां नोट डाउन कर लेते हैं ओके okay, इसको मैं लिखे रहने देती हूँ इस साइड नाउ लेट्स कम टू एक और फॉर्मूला जो हमने देखा है मैग्निफिकेशन से रिलेटेड एक और फॉर्मूला हमारा किससे रिलेटेड था मैग्निफिकेशन से तो मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है एक फॉर्मूला होता है इसका एच डैश अपॉन एच एच डैश अपॉन एच एच डैश होता है हाइट ऑफ इमेज एच डैश क्या होता है इट ऑफ इमेज एच होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वन फॉर्मूला वॉज दिस और एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन के इक्वल करते हुए दैट इज माइनस वी बायू अब हमारी अप्रोच है अपना दिमाग लगाना कि आपको कहीं भी क्वेश्चन में एच डैश एच की बात करी नहीं है वैल्यू दी नहीं है तो इनको कहाँ से लाओगे बट वी और यू तो आपने कर लिए फाइंड आउट यू ऑलरेडी दिया हुआ था वी आपने फाइंड आउट कर लिया सो आई होप मैग्निफिकेशन समझ गए ये वाला फार्मूला यूज करोगे कैसा m -v u ओके okay, इतनी कॉमन सेंस तो है ये लगाओगे अब m -v v क्या है 1.15 और u क्या है u अपने आप में minus -5 है minus -5 को भूलना जाना है ना जैसे कहीं भी हम जो है कोई सामान लेके जाते हैं अपना फोन तो हम कहीं नहीं भूलते भाई ऐसे चिपका के रखते हैं अपने से तो जैसे फोन कहीं नहीं भूलते हो वैसे ही माइनस प्लस साइन भूलना नहीं इन साइंस को ले के चलना है ये है कि साइन रखा है माइनस पुट करो क्यों क्योंकि आपने एक साइन नहीं लगाया आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा है ना जैसे मैथ्स में आप इंपॉर्टेंस समझते हो इन साइंस का वैसे ही फिजिक्स में इक्वल इंपॉर्टेंस है प्लस एंड माइनस साइन का तो ऊपर माइनस नीचे माइनस ऊपर माइनस नीचे माइनस तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा ठीक है एम की वैल्यू जब आप निकालोगे यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इट विल कम एज पॉइंट टू थ्री ओके बोलोगे मैम मीटर वगैरह कुछ लगा दो नहीं कोई वैल्यू नहीं होती है मैग्निफिकेशन की और इसका भी एक रीज़न है क्या रीज़न है समझो इसका रीज़न क्या है क्योंकि आपको पता है आपने देखा है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस मान लो मीटर में है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीटर में मीटर मीटर कट चाहे सेंटीमीटर हो कुछ भी हो वो कट हो जाएगा दैट इज़ वाई मैग्निफिकेशन हैज़ नो यूनिट तो क्लियरली आपको दिख रहा है हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है मैग्निफिकेशन की दैट इज कमिंग पॉइंट टू थ्री ठीक है अब ये चीज़ क्या प्रूफ करती है ये चीज़ आपको प्रूफ क्या कर है नंबर वन थिंग क्या प्रूफ करती है कि जो इमेज फॉर्म्ड है वो क्या है सबसे पहली बात तो बोलो मैम वर्चुअल है मिरर के पीछे है इरेक्ट है और हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा कैसे फॉर्म होती है इमेज डेमिनिश्ड कैसी इमेज फॉर्म होती है डिमिनिश क्योंकि दो ही केसेस हैं बहुत आसान कहानी है डिमिनिश्ड होती है ऑल राइट एंड वन मोर थिंग टू नोट इन कॉन्वेक्स मिरर्स क्योंकि अभी तो हम साथ में ही सॉल्व कर रहे हैं तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है ना ये पॉजिटिव ही आती है इन केस ऑफ कॉन्केव ये नेगेटिव भी आ सकती है क्यों क्योंकि हमें पता है वहाँ पे अलग अलग केसेस हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और आई होप ये क्वेश्चन सॉल्व करना समझ आया होगा ओके okay. तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोच रहे हो यहां क्या लिखा है क्लियरली दिख रहा है होमवर्क ये आपको सॉल्व करना है आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है सॉल्व करने के बाद उसे कमेंट सेक्शन में बताना आंसर जैसा भी होगा आंसर सही या गलत मैं आपको बता दूंगी कमेंट सेक्शन में देख के सो लेट मी रीड द क्वेश्चन और थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन अ फाइव सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ थर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम अन्वेक्स मिरर ऑफ फोकलिटर ऑफ द इमेज फोम पी एन एस निकाल ही रहे हैं पोजिशन नेचर एंड साइज कहीं ना कहीं अप्रोच वैसे ही जाएगी अब यहाँ पे क्या गिवेन है बता देती हूँ देखो यहाँ पे गिवेन क्या है आपको टॉल ऑब्जेक्ट यानी दिस टाइम दे है ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को स्मॉल एच से डिनोट करते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को स्मॉल एच से डिनोट करते हैं स्मॉल एच आपको दिया है फाइव सेंटीमीटर प्लेस डेट अ डिस्टेंस ऑफ थर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिररर यानी यू आपको दिया है इमेज डिस्टेंस थर्टी सेंटीमीटर इसको कैसे लोगे पॉजिटिव में लोगे या नेगेटिव में नेगेटिव में क्योंकि ऑब्जेक्ट है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ बेटा पॉजिटिव में ही रहेगी क्यों क्योंकि मिरर के बैक साइड में है तो ये तीन आपको क्वांटिटीज गिवन है आपको पोजीशन नेचर

फिर भी कोई डाउट बचता है तो जरूर से मुझे बताएं कमेंट करके तब तक क्या कर सकते हो हमारी जो वेबसाइट है मैग्नेट ब्रेन डॉट कॉम पर जाइए जब आप इंटरनेट पे टाइप करोगे तो ऐसा पेज ओपन हो जाएगा इट इज इंडियाज़ नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन अब आप जो है यहां पर कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं मैं गाइड कर देती हूँ वेबसाइट पर ताकि आप अपने फ्रेंड्स कजन सबको गाइड कर सकें ऑन लेफ्ट साइड यू कैन सी इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है के से लेकर ट्वेल्थ ओलंपिया की तैयारी करवाते हैं हम अब लेफ्ट साइड पे आप देखना पेज ओपन पे okay. हो जाएगा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना सी ऑल इन देशन टिल